तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मोटिवेटर, आपका फिलोसोफर का, और जो अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा, ठीक है। यही सब बातें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इवान पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है किसको लेकर के, एक डॉग को लेकर के। उनका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या बोला है उन्होंने, एस लर्निंग, है ना, उन्होंने क्या दिया है हमारा, एस लर्निंग। तो भाई एस लर्निंग इन्होंने दी है, एस लर्निंग मतलब कि एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस एंड सेकंड एस स्टैंड्स फॉर आल्सो स्टिमुलस, ठीक है। तो स्टिमुलस स्टिमुलस का की लर्निंग है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको हम एक नाम और बोल सकते हैं, इसको क्या, रेस्पोंडेंट लर्निंग, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, ठीक है, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, ये इसका नाम। एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, उसके अलावा एसएस लर्निंग या फिर एसएस कंडीशनिंग भी बोल सकते हैं हम इसे, मतलब स्टिमुलस स्टिमुलस की कंडीशनिंग, उसके अलावा रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीन नाम हैं जो इस थ्योरी के हैं। अब इस थ्योरी में क्या क्या है ना, साइड में आपको पिक्चर लगा देता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। अब देखिएगा, आपको एक इमेज दिख रही है, ठीक है, आपको एक इमेज दिखाई दे रही है जहां पर क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या है भाई, एक एक डॉग है, उसके सामने खाना रख दिया तो उसका स्टिमुलस हुआ, मतलब कि किसकी वजह से, क्योंकि भाई उसे भूख लगी हुई है ना, अगर उसे भूख ना हो तो उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। भाई उसके सामने फूड रखा, स्टिमुलस का काम कौन कर रहा है, फूड कर रहा है यहाँ पर, है ना, और उसके बाद उसका रेस्पॉन्स आ रहा है, उसका सलाइवा आ रहा है मुंह से, है ना, मुंह से लार आ रही है कुत्ते के, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, स्टेमलेस का काम किसने किया, फूड का, और उधर से उसने उसका रेस्पॉन्स क्या है, उसके मुंह से लार आई, है ना, सलाइवा उत्पन्न हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेज हमारी क्या है, सेकंड में हमने क्या किया भाई, दोनों को एक साथ किया, है ना भाई, सेकंड में क्या है हमारा, बैल है ना, बैल बजाई तो उसके कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी प्रतिक्रिया लोग की तरफ से नहीं हुई, ठीक है, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। और तीसरी स्टेज है हमारी भाई, हमने बैल बजाई और उसके बाद खाना दे दिया उसको, है ना, बैल बजाई खाना दिया, तो जब खाना आया तो उसे उससे क्या हुआ, स्टिमुलस प्रेजेंट हुआ और उसके साथ क्या हुआ, उसका रेस्पॉन्स आया, उसका सलाइवा आया, है ना, उत्पन्न हुआ। तो यही प्रोसेस कई बार जब हमने रिपीट किया, है ना, जब इवान पेवलोव ने इसी एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करा, भाई बैल बजाई उसके बाद खाना दिया, है ना, बैल बजाई उसके बाद खाना दिया, तो डॉग के दिमाग में ये फिट हो गया कि भाई जब बैल बजेगी ना उसके बाद खाना मिलने वाला है मुझे, है ना। तो जैसे ही बैल बजने लगी उसके मुंह से लार उत्पन्न होने लगी, है ना, सलाइवा आने लग गया। तो लास्ट स्टेज में यही दिखाया गया है कि अब उसे फूड की जरूरत नहीं है, है ना, उसके रेस्पॉन्स के लिए उस फूड की जरूरत नहीं है, अब उस बैल से ही उसका मुंह से सलाइवा उत्पन्न होने लगा। तो यही कंडीशनिंग की बात करी है, यही चेंज किया है ना, इसी को हमने, इसी थ्योरी को बोला है एसएस लर्निंग, मतलब कि स्टिमुलस स्टिमुलस लर्निंग। भाई पहले स्टिमुलस का काम क्या कर रहा था, फूड, है ना, जो कि एक क्या है, कंडीशन, मतलब कि अनकंडीशनल है ना, नेचुरली भी क्या होगा भाई, फूड रखेंगे, अगर हम किसी डॉग के सामने फूड रखते हैं तो उसके मुंह से लार आएगी, है ना, फूड को देखकर, फूड स्टिमुलस है और वो क्या है, रेस्पॉन्स कर रहा है, सलाइवा आ रहा है उसका, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि बैल है, बैल बजने से किसी के मुंह से सलाइवा आए, है ना। तो ये क्यों, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके साथ फूड को रखा तो उसको आदत हो गई, उसको ये वो दिखा दिया, मतलब कि उसके दिमाग में सेट हो गया कि भाई बैल बजी अब तो खाना आएगा, तो ऑटोमेटिकली उस बैल से ही उसके मुंह से सलाइवा उत्पन्न होने लगा, ठीक है। तो अब स्टिमुलस होता क्या है ना, स्टिमुलस क्या होता है, एनीथिंग विच एलिसिट्स रेस्पॉन्स, है ना, क्या होता है, एनीथिंग विच एलिसिट्स रेस्पॉन्स, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्टिमुलस, ठीक है। अब सारी चीजों को मैं एक, जो भी बातें अभी मैंने बोली है पूरी थ्योरी को मैं अपनी शब्दों का रूप दे देता हूं, है ना, बिफोर कंडीशनिंग,
कंडीशनिंग जब कर रहे हैं और फिर आफ्टर कंडीशनिंग की स्टेज हम देखेंगे, है ना। तो जितनी भी बातें मैंने बोली है उसको मैं अभी शब्दों का रूप दे देता हूं भाई। अब देखिएगा सबसे पहली चीज है ना जो हमारी क्या है, बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग, तो बिफोर कंडीशनिंग में क्या होगा, देखो ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है ना। जब हमने कुछ भी नहीं करा तो नेचुरली डॉग का क्या क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या रेस्पॉन्स रहता है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, UCS। UCS, UCS stands for unconditioned stimulus, है ना, unconditioned stimulus भाई, बिना किसी कंडीशन के स्टिमुलस उत्पन्न हो रहा है ना। तो यहां पर क्या होता है भाई, स्टार्टिंग की स्टेज है, हमने कुछ भी नहीं करा, किसी कुत्ते के सामने क्या रखा, हमने फूड रखा, तो फूड क्या कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद UCR, ठीक है, UCR, तो UCR स्टैंड्स फॉर अनकंडीशन रेस्पॉन्स, ठीक है, अनकंडीशन रेस्पॉन्स। तो भाई ऊपर क्या हुआ था भाई, अनकंडीशन स्टिमुलस, तो स्टिमुलस का काम किसने किया था, हमारा फूड ने, ठीक है, स्टिमुलस का काम किसने किया था, हमारा फूड ने। और नीचे क्या है, अनकंडीशन रेस्पॉन्स, तो यहां पर रेस्पॉन्स का काम क्या कर रहा है, सलाइवा आ रहा है ना, सलाइवा आ रहा है, तो वो हमारा रेस्पॉन्स का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है, बैल, भाई बैल है ना, बैल बजाई तो डॉग की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, है ना, यहां पर क्या होगा हमारा, नो रेस्पॉन्स, ठीक है, नो रेस्पॉन्स, ठीक है। इसके अलावा इसको क्या बोल सकते हैं हम, एनएस, एनएस स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है। देखो सबसे पहले फूड रखा, फूड ने स्टिमुलस का काम किया जिससे उसके मुंह में सलाइवा उत्पन्न हुआ, है ना, उसने वो क्या है, अनकंडीशन रेस्पॉन्स है उसका, है ना। उसके अलावा बैल बजाई, बैल से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, है ना, क्योंकि उसके अंदर कंडीशन फिट नहीं कर पाई, करी अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, ये एक नेचुरल रेस्पॉन्स है उसका जो नॉर्मली आता है हर एक डॉग का, ठीक है। एनएस क्या है हमारा, न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। तो अब देखते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग, है ना, जब हम कंडीशनिंग कर रहे हैं तब क्या होता है भाई। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया भाई, कंडीशनिंग करी, है ना, कंडीशनिंग में क्या हुआ, न्यूट्रल रेस्पॉन्स, है ना, एनएस को जोड़ दिया किसके साथ, यूसीएस, मतलब कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, ठीक है, मतलब कि फूड को जोड़ दिया बैल के साथ, जो मैंने अभी आपको बताया था, फूड को जोड़ दिया बैल के साथ, जब बैल बजेगी तो उसका खाना मिलेगा, फिर जब बैल बजेगी तो उसको खाना मिलेगा, धीरे धीरे उसको आदत हो गई, है ना, उसके बाद उसके मुंह से सलाइवा आने लग गया जैसे ही बैल बजने लगी, वो हम आगे जानेंगे। अभी क्या हुआ, कंडीशनिंग कैसे हुई हमारी, बैल बजी खाना दिया, बैल बजी खाना दिया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ हमारा, अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स आया, UCR, अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स आया, जो कि हमारा सलाइवा, जो कि हमारा सलाइवा है, ठीक है। ये हमने कंडीशनिंग कर दी भाई, बैल बजाई खाना दिया, उसके मुंह से रेस्पॉन्स आया, सलाइवा आया, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्या, थर्ड, जब आफ्टर कंडीशनिंग, भाई हमने ये कंडीशनिंग कर दी उसके बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, है ना। तो भाई जब हमने कंडीशनिंग कर दी तो आफ्टर कंडीशनिंग हमें क्या देखने को मिला, है ना, तो क्या मिला देखने को भाई, जब हमने बैल बजाई तो खाना देने की जगह, मतलब सिर्फ बैल बजाई उसी से उसके मुंह से लार आने लगी, सलाइवा उत्पन्न हो गया। तो यहां पर क्या देखने को मिला हमें भाई, कंडीशनल स्टिमुलस हो गया, है ना, स्टिमुलस जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था वो कंडीशन में बदल गया, है ना, कंडीशन स्टिमुलस हो गया। और यहां पर ये किसका काम कर रही है, बैल का, भाई बैल देख के खाना, मतलब कि सलाइवा आना कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये हमने कंडीशनिंग करके उसको बनाया है, ठीक है, बैल आने से
बैल बजने से उसके मुंह से लार उत्पन्न होने लगी। ठीक है भाई, पहले क्या था हमारा, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स था, जो कि किसमें बदल गया हमारा, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स में। ठीक है भाई, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स था हमारा फूड से सलाइवा, लेकिन वो किसमें बदल गया हमारा, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स में, मतलब कि फिर बैल से सलाइवा उत्पन्न होने लगा। ठीक है, तो लेकिन इससे हुआ क्या, सलाइवा उत्पन्न। ठीक है, जो उसका रेस्पॉन्स क्या आया, सलाइवा उत्पन्न हुआ। ठीक है, बाद में इसको वापस से चेंज करा गया है ना, जब बहुत समय तक यही चीज, मतलब कि बहुत समय तक उसको बैल बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, तो धीरे धीरे वापस से सब नॉर्मल हो गया है ना, फिर लार आनी बंद हो गई, क्योंकि उसे की हैबिट हो गई थी कि भाई अब खाना नहीं मिलता बैल से, बैल बजने से, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे की बातें जानते हैं। अब आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं है ना, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, एक्विजिशन, यानी कि हमने, उसने क्या एक्वायर करा है ना, उसने क्या एक्वायर करा इस कंडीशनिंग के द्वारा, भाई फूड का, फूड से सलाइवा आना था, वो किसमें बदल गया, बैल से सलाइवा आने लग गया। ठीक है, फूड की जगह अब किससे सलाइवा उत्पन्न होने लगा, बैल से। ठीक है, फूड इसको चेंज कर दिया बैल में, ये कंडीशनिंग करी, ये एक्वाइजेशन हुआ है। ठीक है, अब स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है भाई, अगर उसका बैल से सलाइवा उत्पन्न होने लगा, तो भाई दुनिया में जितनी भी बैलें हैं है ना, कोई सी भी बैल बजेगी तो उसका क्या होगा, सलाइवा उत्पन्न होने लगेगा है ना, तो ये तो गलत चीज है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है भाई, जो वो बैल थी ना, वो अपनी बैल को पहचाने। ठीक है, वो डॉग अपनी बैल को पहचाने कि भाई उसकी जो बैल है उसकी रिंग कैसी है ना, उसकी आवाज कैसी है। जैसे कि आप अपनी कॉलर ट्यून या रिंग टोन लगाते हैं ना, पहचानने के लिए कि किसकी कॉल आ रही है ना, तो फिर आपको पता चल जाता है कि भाई इसकी कॉल है ना, सबकी अलग अलग आवाज आ जाते हैं, तो उसको आपको पता चल जाता है अब पापा का फोन आ गया है ना, अब दोस्तों का फोन आ रहा है, अब इसका फोन आ रहा है, तो वो अलग अलग आपने फिक्स कर रखी है, तो आप उसी से पहचान लेते हैं कि भाई ये किसकी रिंग टोन है या कॉलर ट्यून है। ठीक है, तो यही चीज है इसमें, अपनी बैल को पहचाने। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या है, एक्सटिंक्शन मतलब कि उसमें चेंज आ गया है ना, बैल बजी खाना आता था। ठीक है, ये उससे बैल से क्या हुआ, सलाइवा आने लगा था, लेकिन जब बहुत समय तक ये चीज नहीं हुई है ना, बैल बजने से उसे खाना नहीं मिला, तो उसे एक हैबिट हो गई। ठीक है, कि उसे समझ आ गया कि अब बैल बजने से खाना नहीं आता है ना, बैल बजने से खाना नहीं मिलता, तो उसके मुंह से सलाइवा उत्पन्न होना बंद हो गया। ठीक है, एंड लास्ट वन इज हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। धीरे धीरे उसको सारी बातें समझ आने लगी, फिर वो वापस से नेचुरल उसमें आ गया। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी वो होती है तुम्हारा, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में आपको किसी चीज से डर लगता है ना, या फिर जैसे अभी था ना कि भाई बैल बजी खाना आया। ठीक है, लेकिन उसकी रिकवरी हो गई है ना, फिर बहुत टाइम बाद, मतलब कि बहुत टाइम तक तो आपको मिला नहीं, फिर अचानक से एकदम से बैल बजी और आपके मुंह से लार आने लगी, तो ये क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस चेंज आया आपके उसमें है ना, मतलब कि बहुत समय पहले की प्रतिक्रिया अचानक से आपके आपके अंदर उत्पन्न हो गई। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो भाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग में हम जानेंगे सबसे पहले साइमल्टेनियस कंडीशनिंग क्या होती है। वो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग वो थी जब हमने बैल और खाने को एक साथ रखा है ना, बैल बजी खाना दिया, ये थी हमारी साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। ठीक है, उसके बाद हमारी डिलेड कंडीशनिंग है ना, हमने डिले करा एक प्रोसेस करा हमने कि भाई डिले करा हमने, बैल बजाई फिर कुछ समय बाद खाना दिया है ना, तो उससे क्या हुआ, उनकी बॉन्ड ही नहीं बन पाई। ठीक है, तो उस भाई बैल बजी कब, खाना आया कब, तो उससे कोई बॉन्ड ही नहीं बनी है ना उनकी, तो उससे कोई भी बॉन्ड नहीं बनी, तो उससे सलाइवा उत्पन्न नहीं हुआ, उनका दोनों का बॉन्ड बन ही नहीं पाया। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस क्या है भाई, ट्रेस कंडीशनिंग क्या है हमारा भाई, फूड है ना, फूड क्या है यहां पर, क्या है, बैल बजी और एक ब्रेक के बाद खाना मिला आपको। ठीक है, ब्रेक के बाद
खाना मिला, ठीक है। वो डिलेड कंडीशनिंग में क्या था, डिलेड में तो ये था कि भाई बैल बजाई उसके बाद आपको खाना मिल रहा है ना, बैल बजने के बाद खाना मिल रहा है। और ट्रेस में क्या था, ट्रेस में आपको बैल बजाई और खाना कभी और मिल रहा है ना, बैल अभी बजी है खाना बहुत टाइम बहुत समय बाद मिल रहा है। और लास्ट हमारा क्या है, बैकवर्ड कंडीशनिंग है ना, बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या है कि भाई बैल बजी और सलाइवा उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो अभी इस पूरे कंडीशनिंग में पूरी थ्योरी में हुआ, बैल बजी खाना उत्पन्न हुआ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसी चीज को जो अभी मैंने आपको बताई। सबसे पहले हमारा साइमल्टेनियस कंडीशनिंग थी, जो फूड और बैल एक साथ दिए है ना, बैल भी बजी और फूड एक साथ, दोनों को एक साथ दिया गया। तो उसके बाद हमारी डिलेड कंडीशनिंग हुई, भाई पहले बैल बजी उसके बाद आपको फूड दिया गया, बैल बजी फूड दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड आया ट्रेस कंडीशनिंग, बैल बजाई और कुछ समय बाद आपको फूड मिला, तो उसमें कोई बोन नहीं बन पाया है ना, तो उससे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ पाया जो हम चाहते थे। बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या है, भाई जो हमने कंडीशनिंग की बैल से सलाइवा आने लग गया जबकि वो नेचुरली किससे आता है, फूड से है ना, तो फिर बाद में क्या हो, बैल से सलाइवा आने लग गया, ठीक है। तो अब हम इन्हीं सारी बातों को एक एक करके अलग से जान लेते हैं। देखिएगा डिलेड कंडीशनिंग क्या थी, प्रेजेंट कंडीशनिंग स्टिमुलस है ना, कंडीशनिंग स्टिमुलस है ना, कंडीशनिंग यानी कि कंडीशन करके जो चेंज आया वो वाला स्टिमुलस जो कि अब किससे आ रहा है, बैल से आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, व्हाइल सीएस इज स्टिल देयर, मतलब कि कंडीशनिंग स्टिमुलस इज स्टिल देयर, प्रेजेंट अनकंडीशनिंग स्टिमुलस मतलब कि यूसीएस आपका है ना। तो इसमें आपको मैंने अभी वही चीज बताई, भाई बैल बजाई और आपको उसके बाद खाना दे दिया। उसके बाद आता हमारा ट्रेस कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग में क्या था, प्रेजेंट कंडीशनिंग स्टिमुलस जो कि हमारा CS है ना, CS stands for conditioning stimulus, ठीक है। उसके बाद हमने शॉर्ट ब्रेक लिया, देन प्रेजेंट अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यही बात मैंने आपको समझाई थी, भाई बैल बजी उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया उसके बाद फूड आया तो कोई भी उनकी बॉन्ड नहीं बन पाई, ठीक है, तो उसके हिसाब से सलाइवा नहीं आ पाया, मतलब रेस्पॉन्स नहीं आ पाया उनका। उसके बाद आता है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग जो कि आपकी CS और UCS आर प्रेजेंटेड एट द सेम टाइम, भाई इसमें दोनों क्या है एक ही समय पर प्रेजेंट है, कंडीशनिंग स्टिमुलस और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, मतलब बैल और फूड दोनों एक ही समय पर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट था क्या, बैकवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग वो थी आपका जब UCS प्रेजेंट है ना, देन CS इज प्रेजेंटेड, भाई बहुत समय तक क्या अनकंडीशनिंग स्टिमुलस मतलब कि फूड से ही आपका वो था, लेकिन अचानक से जब आपकी एक बार कंडीशनिंग हो चुकी है तो अचानक से बैल बजी और बहुत समय बाद अचानक से आपका सलाइवा उत्पन्न होने लग गया है ना, जो कंडीशनिंग की थी उसकी वजह से आपको क्या हुआ, आप रेस्पॉन्स देने लगे है ना, बहुत टाइम बाद अचानक से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपका इवान पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये पूरी थ्योरी समझ आई होगी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।